हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आपका। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? आपको तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होंगे, वी इज इक्वल यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। तो ये नाइन्थ के और आगे बच्चों को लगते हैं। हमें मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, मोशन का एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हमें इक्वेशंस यूजफुल होते हैं। मतलब कुछ क्वांटिटी हमें पता रहती है, कुछ क्वांटिटी पता नहीं रहती, वो जो पता नहीं रहती वो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कैसे होते हैं, डेरिवेशन उसका देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव, तो स्टार्ट करते। तो हमें क्या पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको अरेंज कर दिया हम तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये पहला इक्वेशन आ गया, वेरी सिंपल। नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रवीण। मैं आपके एरिया में मेरे प्राइवेट ट्यूशंस ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ट्यूशंस डी वाई पाटिल कॉलेज अम्बी में जो है वारंगवाड़ी में, वहाँ पे होम हॉस्टल है। उस हॉस्टल के एरिया में मैं मेरे प्राइवेट ट्यूशंस ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबली 1 जून 2023 से हमारे ये ट्यूशन स्टार्ट होगी। वो ट्यूशंस 5th to 12th क्लास के बच्चों के लिए होंगे। उसमें ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स उनको सिखाए जाएंगे, क्लासेस 5th to 12th। तो आप मुझे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरे रिप्रेजेंटेटिव होम हॉस्टल में प्रेजेंट रहेंगे उनके पास जाके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एडमिशन बुक कर सकते हैं। तो आपको करना है सिर्फ वहां पे जाना है और आपका एडमिशन बुक करना है। क्लासेस फ्रॉम स्टूडेंट 5th to 12th, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश, मराठी, सेमी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, एसएससी, आईसीएसई, ऑल द बोर्ड्स के सभी सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स 5th to 12th आर अवेलेबल, मतलब वहां पे अवेलेबल रहे। और वो क्लासेस प्रोबेबली 1st जून 2023 से स्टार्ट होगी। तो एडमिशन बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, या ओम हॉस्टल में भी जाके आप वहां पे भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू। अभी दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन को करने से पहले हम लोग, हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वेलोसिटी है। लेकिन हमें जो चाहिए वही हम ले लेंगे, हमें क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रीअरेंज करेंगे, तो अरेंज क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइम नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए, तो उसको टाइम को हम इस साइड में भेज देते हैं। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पे डिविजन है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज होती रहती है, तो हम लोग उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब अपना अभी वेलोसिटी मेरी और 10 मिनट बाद इतनी है और लास्ट में मेरी वेलोसिटी इतनी है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों का सम डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे 2 का सम करेंगे, इसलिए तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी का लिख दिया हमने। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग अबाउट नोटेशन, हमें नोटेशन पता है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन, ये जो नोटेशन है ये स्टैंडर्ड है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस, इनिशियल वेलोसिटी यू से स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, और टाइम टी से।
और पहला इक्वेशन जो हमने अभी भी डिराइव किया था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिवाइड बाई टू इंटू टी, यू प्लस यू टू यू प्लस ए टी डिवाइड बाई टू इंटू टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू। इस टर्म को हम डिफरेंट कर ले, डिफरेंशिएट कर लेते, डिफरेंट कर लेते, 2u by 2 plus 2a by 80 by 2। तो s is equal to 2u by 2 क्या हो गया u plus 80 by 2 half 80 हो गया into t। तो इसको रीअरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, s is equal to इस t से अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, t से इसको मल्टीप्लाई किया, s is equal to ut plus half a into t t square, s is equal to ut plus half a t square। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। This is called as the second equation of motion। Third equation derive करने से पहले मेरे जो coaching classes है वो तलेगांव दापाड़े अम्बी में डीवाई पाटिल कॉलेज है, वहाँ पे ओम हॉस्टल है, उसमें चालू होने वाले हैं फ्रॉम 1st जून 2023 से। तो आप आपका एडमिशन बुक करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं इस फोन नंबर पे, फोन नंबर दिया। आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको 5th to 12th के ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस रहेंगे और ये सब जानकारी फिर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं अभी पढ़ाते रहूंगा। नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रवीण। मैं आपके एरिया में मेरे प्राइवेट ट्यूशंस ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये ट्यूशंस डीवाई पाटिल कॉलेज अम्बी में जो है वारंगवाड़ी में, वहाँ पे होम हॉस्टल है, उस हॉस्टल के एरिया में मैं मेरे प्राइवेट ट्यूशंस ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रोबेबली 1 जून 2023 से हमारी ये ट्यूशन स्टार्ट होगी। वो ट्यूशंस 5th to 12th क्लास के बच्चों के लिए होंगे, उसमें ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स उनको सिखाए जाएंगे, क्लासेस 5th to 12th। तो आप मुझे एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरे रिप्रेजेंटेटिव होम हॉस्टल में प्रेजेंट रहेंगे उनके पास जाके आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एडमिशन बुक कर सकते हैं। तो आपको करना है सिर्फ वहां पे जाना है और आपका एडमिशन बुक करना है। क्लासेस फ्रॉम स्टूडेंट 5th to 12th, ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द मीडियम्स, दैट इज इंग्लिश, मराठी, सेमी इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, एसएससी, आईसीएसई, ऑल द बोर्ड्स के सभी सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स 5th to 12th आर अवेलेबल, मतलब वहां पे अवेलेबल रहे। और वो क्लासेस प्रोबेबली 1st जून 2023 से स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, या ओम हॉस्टल में भी जाके आप वहां पे भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू। तो आपको ये भी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले हम लोग पहला वाली सेकंड इक्वेशन हमने जैसे डिराइव किया उसमें से कुछ चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम। तो सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2 इनटू t, स्टैंडर्ड नोटेशन। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन को जब हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने क्या किया, v की वैल्यू ऐसे ही पुट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए t की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाले। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t को अकेला करेंगे, अकेला करेंगे मतलब क्या है, यहाँ पे u है, u को इस साइड भेजेंगे, क्या हो गया, v माइनस u इज इक्वल टू at। और a को फिर भेज देंगे इधर, a को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा तो डिविजन हो जाएगा। तो क्या होता है, t इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई a। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसमें t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड टू
इनटू u माइनस v डिवाइडेड बाय a, s इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 v माइनस u डिवाइडेड बाय a, इसको सॉल्व कर लेते तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा 2a, फिर u प्लस v इनटू u माइनस v क्या होगा a प्लस b माइनस a प्लस b a माइनस b, हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, s 2a को इधर भेजेंगे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप नहीं चाहिए तो हम सिंपल बना देते, उसके बाद इन टर्म्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इधर माइनर है माइनस है इसको इधर भेजेंगे तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये हो गया तो हमारे तीनों इक्वेशन आ गए। तो अभी ये इक्वेशन का आप स्टडी देख करके देख लो, तो पहला इक्वेशन है वो सिंपल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें s है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। और तीसरा इक्वेशन, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसमें टाइम नहीं है। तो एकाध कोई क्वांटिटी अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम बाकी की बची हुई क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यही होता है स्टडी। और ये मोशन का स्टडी आसान हो इसलिए ये थ्री इक्वेशंस आ गए हैं। और ये थ्री इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं ये आपने देख लिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर लीजिए, करेक्ट। और आप मेरे ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस मॉर्निंग में रहते वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं आपको भेज दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए आपका जो भी है व्हाट्सएप नंबर, मैं उस पर कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप होम ट्यूशन भी अगर कोई चाहता है तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।